प्रिय विद्यार्थियों, चौहान साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और तुर्क विरोध, तुर्क प्रतिरोध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में तराई के मैदान में दो युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? तराई के मैदान में दो युद्ध। तराई कहाँ है? हरियाणा में है, भारत के राज्य हरियाणा में, और हरियाणा के करनाल जिले में है। कहाँ पे है? हरियाणा के करनाल जिले में। तो 1191 और 1192 लगातार दो वर्षों में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के बीच में दो तराई के युद्ध हुए। अब प्रश्न उठता है कि तराई के ये जो युद्ध हुए, युद्धों के कारण क्या है, युद्ध के कारण क्या है? पहला कारण है गोरी की, यानी मोहम्मद बिन गोरी, जो तुर्क था, जिसका अपना राज्य गौर या गजनी था। गजनी को कैंटर बनाकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, गौर राज्य। तो भारत में वो गौरी धन प्राप्ति की कामना से भारत में आया था। हमने देखा कि गौरी से पहले भी तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन गजनवी, उसने भी भारत में आया था और 17 बार लगभग भारत को लूटा था, 17 बार आक्रमण करके भारत को लूटा था। तो ये कहानियां मुस्लिम जगत में ये प्रसिद्ध थी कि भारत धन दाने से संपन्न है। अगर हमारी गरीबी दूर करनी है या हमारा अपना राज्य कोई बनाना है तो भारत पर आक्रमण जरूर करना चाहिए। तो गौरी की धन प्राप्ति की कामना एक। दूसरा, भारत की राजनीतिक दशा, भारत की राजनीतिक दशा, विकेंद्रीकरण व पारस्परिक देश द्वेष। भारत में हर्षवर्धन के बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह विकेंद्रीकरण की स्थिति, कई क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा शासन कर रहे थे। हमने देखा भी है कि मोहम्मद गोरी आने से पहले भारत में गढ़वाल राज्य था, चंदेल राज्य जो महोबा में था, गुजरात में चालुक्य नरेश द्वितीय शासन कर रहा था, अजमेर और दिल्ली के आसपास पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। तो हर कोई आक्रमणकारी को लगता है कि भारत में ऐसा कोई सुदृढ़ राज्य नहीं है, यानी छोटे छोटे राज्य है, उन छोटे छोटे राज्यों को हम आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो यानी भारत की राजनीतिक दशा विकेंद्रीकरण की थी और ये राजा आपस में झगड़ भी रहे थे, यानी पारस्परिक में द्वेष भी था। तो इस तरह से उनको लगता था कि भारत को हम जीत सकते हैं। तीसरा, पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा, पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा क्या थी? उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, जो दोषपूर्ण थी। इस नीति के तहत क्या हुआ कि अपने आस पड़ोस के राज्यों को पराजित करने के दौरान या उनके राज्य को विलय करने के दौरान उनको रुष्ट कर दिया। तो दोषपूर्ण दिग्विजय की नीति पृथ्वीराज चौहान की। चौथा, गोर राजनीति, जो गजनी में मोहम्मद गोरी का जो राज्य था वहाँ की जो स्थिति थी बड़ी विकट थी। गोरी को हमेशा लगता था कहीं मेरा राज्य समाप्त न हो जाए, तो वो भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था या भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, जो मुस्लिम जगत की जो उठा पटक की स्थिति है उससे बचा जा सके, यानी गोरी द्वारा स्थायी राज्य की आकांक्षा के तहत वो भारत आना चाहता था या अपने भारत में राज्य स्थापित करना चाहता था। पांचवा, धार्मिक कारण, इस्लाम जगत में गौरी अपना नाम कमाना चाहता था, इसलिए भारत में अपने राज्य स्थापित करने के दौरान इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी चाहता था। तो धार्मिक कारण, अपने धर्म के प्रचार के कारण भी गौरी भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। छठा है, अधिकार का दावा। गौरी को लगता था कि पहले जो हासी, थानेश्वर और सिंध जो राज्य हैं वो मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीते गए या अपने अधिकार में थे, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में मिला लिया था, तो वो अपने इन क्षेत्रों को हासी, थानेश्वर, सिंध पर अपना अधिकार करना चाहता था। उनको लगता था कि यह मेरा अधिकार है, कि इनके राज्य पर मेरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इन पर अपना अधिकार किया था, उनको लगता था। सातवां, सीमा का सामग्री, लाहौर और मुल्तान, खासकर हासी, थानेश्वर और सिंध क्षेत्र में दोनों राज्यों, गौरी के राज्य और पृथ्वीराज चौहान के राज्य के
बीच में सीमा एक समान लगती थी, तो सीमा की झड़प बाद में युद्ध का कारण भी बन गई। तो ये सब कारण थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में आक्रमण के। फिर होता है तराइन के जो युद्ध हुए, जिसमें पहला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इस युद्ध में गोरी को पराजित किया, गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने गोरी को पूर्णतः नष्ट नहीं किया, यद्यपि उसकी भागती हुई सेना को पीछा किया, लेकिन उनका अंतिम रूप से नष्ट नहीं किया। नष्ट किया होता तो अगले साल अगले युद्ध में इसी मैदान में वापस गोरी पृथ्वीराज चौहान को चुनौती नहीं देता। ऐसा कौन कह रहे हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस दौरान गलती की कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को भागती हुई सेना का पूर्णतः पीछा न करके, उनको नष्ट न करके उनको ऐसे ही छोड़ दिया है ना। तो ये पहला ये था। अब हुआ कि युद्ध में पराजित होने के बाद गोरी को ये लगातार लगता था कि मैं इस युद्ध का बदला इस युद्ध में यानी तराइन के पहले युद्ध में हार का बदला जरूर लूंगा। इसलिए उसने एक साल तक साल भर अपनी सेना को मजबूत किया और जो उसकी कमियां थी, चाहे शराब पीना, उस तरह की शराब पीना या सुरा सुंदरी के पीछे भागना, तो उस तरह की जो अपनी कमियां थी उन सबको छोड़ दिया और उसका एक ही लक्ष्य रखा कि मैं अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान को पराजित करूंगा। तो वह अपने अच्छे बल से और यहाँ तक कि छल द्वारा भी तराइन की जीती युद्ध जो 1192 में हुआ था, गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और उसको बंदी बना दिया। किसको, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अगले ही साल युद्ध में पराजित कर दिया और बंदी बना दिया। उस समय का अपने पास रखा, लेकिन बाद में विद्रोह करने पर उसने क्या कर दी। ये कहानी भी है पृथ्वीराज रासो में जो लिखी गई है पृथ्वीराज चंद्र बरदाई द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्द भेदी बाण चलाया चंद्र बरदाई के कहने के अनुसार, और उसने किस पर चलाया, गोरी पर, और गोरी को मार दिया। लेकिन जो गोरी मारा गया वह गोरी का पुतला था, गोरी नहीं मारा गया बल्कि गोरी का पुतला मारा गया। तो इस तरह से विद्रोह करने के बाद पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई गोरी ने चौहान, इस तरह से गोरी ने चौहान राज्य और दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया और गोरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को कुछ शर्तों के साथ सौंप दिया। शर्त क्या थी कि वह वार्षिक कर देगा, गोविंद राज किसको कर देगा, गोरी को वार्षिक कर देगा, नए गढ़ नहीं बनवाएगा यानी दुर्ग की किरेबंदी नहीं करेगा, और गोरी के प्रति निष्ठावान रहने की शर्तों के आधार पर गोरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अपना राज्य कुछ क्षेत्र पर सौंप दिया और स्वयं बाद में गोर चला गया। इस दौरान भारत में जो क्षेत्र जीते गए हैं गोरी द्वारा, उसकी देखरेख के लिए उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। गोरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते गए राज्य का प्रशासन के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं अपने राज्य गजनी चला गया। अब प्रश्न उठता है कि एक साल यानी 1191 के तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज विजित रहता, लेकिन अगले साल वो पराजित हो जाता। इन पराजय के क्या कारण रहे हैं, तो पहला कारण है गोरी की शक्ति व आक्रमण के प्रयोजन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाना, यानी पृथ्वीराज ने गोरी की शक्ति का अनुमान सही से लगाया ही नहीं, उसी सेना में कितने सैनिक हैं या किस तरह से सुव्यवस्थित हैं, या वो पृथ्वीराज को लगता था कि गौरी तो क्या है लुटेरा है, वो धन लूटने के लिए आया है और उस धन लूट कर वापस चला जाएगा। तो उसकी शक्ति गौरी की शक्ति और गौरी के आने का प्रयोजन पृथ्वीराज चौहान समझ ही नहीं पाया, एक कमी यह रही। दूसरा, गौरी की सुव्यवस्थित सेना, गौरी की सुव्यवस्थित सेना पर खुर घुड़सवार धनुर्धारी बहुत अवतल सेना, गोरी ने एक साल तक अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया, अपने सेना में तुर्क घुड़सवारों की नियुक्ति की, 10,000 तुर्क घुड़सवार जो जरूरदारी भी थे अच्छे,
उनको नियुक्त करें और सेना को मजबूत किया। कोस्टल सेना के मतलब है अपनी सेना में कुछ सैनिक एक अलग दस्ते के रूप में रखना, अलग टुकड़ी के रूप में रखना, ताकि जब जब जो सेना युद्ध लड़ रही है वो अगर थक जाए तो तुरंत नई सेना भेजना, उस दस्ते को कोस्टल सेना कहा जाता है। तो इस तरह की नीति के तहत पृथ्वीराज की सेना पर गोरी की सेना मजबूत रही या उनका पलड़ा भारी रहा। तीसरा, पृथ्वीराज की पारंपरिक सेना व सैन्य कौशल। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता तो उन्होंने अपना अधिकांश समय संगीत नृत्य में ही लगवाया और पृथ्वीराज ने गौरी की चुनौती को सही से लिया ही नहीं, यानी अपना ऐसा ही साल भर का समय इस तरह से बर्बाद किया। और दूसरी बात, उनकी सेना भी थी, पारंपरिक सेना थी, हाथियों की सेना थी, इस तरह से गौरी की सेना में जो घुड़सवार थे, धनुर्धर थे, उस तरह की सेना नहीं थी, या पथल सेना उस तरह की सेना नहीं थी, और सेना में सैन्य कौशल का भी अभाव था। फिर अगला, गौरी का आक्रमणात्मक युद्ध जबकि पृथ्वीराज का रक्षात्मक युद्ध। गौरी ने जो युद्ध लड़ा वो आक्रमण के रूप में युद्ध लड़ा है, यानी उसमें ये भावना थी कि हम अपने राज्य नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, नए धर्म का प्रचार करना चाहते हैं भारत में, लेकिन पृथ्वीराज का युद्ध जो था वो रक्षात्मक युद्ध था, वो अपने राज्य को बचाना चाहते थे। तो इस तरह से युद्ध का जो प्रयोजन है, युद्ध का जो कारण है, वो भी अलग अलग था। पांच और पृथ्वीराज की तीन विजय नीतियों से, दिग्विजय की नीति से क्या हुआ, आसपास के राज्य रुष्ट हो गए, जैसे चालुक्य, चंदेल और गढ़वाल को पराजित किया था दिग्विजय की नीति के तहत पृथ्वीराज चौहान ने। इससे क्या हुआ, ये राज्य इन्होंने तराइन के युद्धों में अपनी तटस्थता बनाए रखी। यहाँ तक ही कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को के खिलाफ मुहम्मद गोरी की सहायता की थी। तो युद्ध ये थे, युद्ध में पराजय के कारण पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज में जो पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय हुई उसके कारण। अब युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो परिणाम निकला चौहान राज्य का हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, अंत हो गया, यानी उत्तर भारत में गोरी का राज्य, गोरी राज्य की स्थापना हो गई, उत्तरी भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। और इस तरह से इतिहासकार इस घटना को एक युगांतकारी घटना, भारत में जो अंतिम बड़ा हिंदू सम्राट था, जो हिंदू राज्य सम्राट था पृथ्वीराज चौहान, उसके राज्य का अंत हो गया, भविष्य कभी इस तरह का राज्य स्थापित नहीं हुआ। किसके द्वारा, हिंदू राजा द्वारा, बाद में जितने भी राजा हुए सब मुस्लिम सुल्तान या राजा हुए थे। इस तरह से ये युग बदलने वाली घटना थी, युगांतकारी घटना थी। धन्यवाद।